हे गाइस, बड़ी न्यूज़ है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। मेंस के पेपर देने वाले बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे होंगे कि इस बार का पेपर कैसा हुआ है, आंसर की आ जाए तो मुझे पता चल पाए कि मेरा स्कोर कितना है, उसके बाद फिर कट ऑफ खेला जाए। तो समय आ गया है आपके कट ऑफ खेलने का, ये जानने का कि आपका मेंस का पेपर जो मैथ्स और इंग्लिश का हुआ है उसमें आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। एटलीस्ट आपको बेसिक जानकारी हो जाएगी कि हाँ मेरे इतने स्कोर बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंगल शिफ्ट में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइज नहीं होगा, जो मार्क्स है सो मार्क्स हैं। तो एटलीस्ट अगर किसी क्वेश्चन को आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। पहले से जानकारी मिल चुकी है कि मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन गलत आए हैं, उसे रिपोर्ट करना है, तो सभी बच्चे रिपोर्ट कर रहे होंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि जो आंसर की है वो अभी आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, अभी लिंक जनरेट हुआ है, लेकिन लिंक जनरेट होने का मतलब है हो सकता है अगले आधे घंटे में आपको आंसर की मिल सकती है, हो सकता है अगले एक घंटे में हो सकती है, लेकिन मान के चलो कि कल सुबह तक, दोपहर तक, लेट में लेट जो है आपकी आंसर की आ जाएगी। तो अगर आप लोगों को मतलब आपका पेशेंस थोड़ा सा हल्का है तो आप कंटिन्यूअसली चेक कर सकते हैं अगले आधे घंटे में जो है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि हाँ वो आंसर की रिलीज हो गई है या नहीं हो गई है। जैसे ही आएगी, सबसे ज़्यादा उत्साहित हम हैं, हमारी टीम रात भर बैठी हुई है, यही चेक कर रही है। जैसे आंसर की आएगी, हमारे पास आपके अभिषेक भैया के मेन्स के बैच में 3400 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन एक एक बच्चे का रोल नंबर निकाल निकाल के हमको ढूंढना है, पता करना है कि किसने कितना स्कोर किया है। सब बच्चों से बात करने पर सबने बताया सर हमने 95 किया, 98 किया। अब असल बात पता चलने वाली कि उन्होंने कितना स्कोर किया। तो एक एक बच्चे का स्कोर कार्ड चेक करने वाले हैं और हमको बताने वाले हैं कि अभिषेक भैया के बैच से कितने बच्चों ने मैथ्स को तगड़ा फोड़ा है और कितने बच्चे अंदाजन जो है इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार हम लिंक डाले देते हैं, तो लिंक क्लिक करके आप भी चेक कर सकते हैं, और जैसे ही वो लिंक आ जाएगी हम स्कोर कार्ड के साथ आएंगे कि किन बच्चों का कितना स्कोर बन रहा है। धन्यवाद।